फिल्म फेयर अवार्ड 2023। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के बारे में बात करेंगे। यह कहाँ हुआ, कब हुआ, इसका एडिशन कितना था और साथ ही साथ में प्राइज विनर कौन कौन रहे, ये सारी जानकारी को अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2023 जो है वह 68th फिल्म फेयर अवार्ड रहा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह जो एडिशन रहा वह 68th एडिशन रहा। और यह कब हुआ तो ये भी देखते हैं। तो यह हुआ है 27 अप्रैल 2023 को हुआ, और यह कहाँ हुआ इसको भी ध्यान में रखते हैं। तो यह हुआ जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर मुंबई में हुआ। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो है जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर मुंबई में यह फिल्म फेयर अवार्ड 2023 रहा, जो कि 68 नंबर का है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर प्राइज विनर कौन कौन है और किस चीज़ में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखते हैं सबसे पहले आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट को पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, और गंगूबाई काठियावाड़ी की धूम रही, यानी कि इस फिल्म फेयर अवार्ड में जो है गंगूबाई काठियावाड़ी की धूम मची रही, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला वह आलिया भट्ट को मिला। तो यहाँ पर देखते हैं आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने 10 पुरस्कार अपने नाम किए। तो फिल्म बधाई दो ने फिल्म समीक्षकों की श्रेणी में अधिकतर पुरस्कार अपने नाम किए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, यह 10 पुरस्कार यानी सबसे ज़्यादा पुरस्कार यही गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता। साथ ही साथ में अदर देखते हैं तो इसमें बधाई जो दो जो मूवी है वह भी 7 प्राइज जीते हैं, और इसमें जो है एक्टिंग की है वह राजकुमार राव ने की है। आगे हम लोग और देखते हैं संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित गंगूबाई काठियावाड़ी ने 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये सब सारी चीज़ें मिला करके 10 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। तो सर्वाधिक 10 पुरस्कार जीता है वह है फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने। अब यहाँ पर हम लोग और आगे चीज़ों को देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वह राजकुमार राव को मिला है फिल्म बधाई दो के लिए। तो फिल्म बधाई दो के हिसाब से देखा जाएगा तो वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है बने हैं इसमें राजकुमार राव, ये इम्पोर्टेंट है। फिल्म जुग जुग जियो के लिए अनिल कपूर पुरस्कृत। तो फिल्म जुग जुग जियो के लिए अनिल कपूर को भी पुरस्कृत किया गया, इनको भी प्राइज मिला है। तो हम लोग और चीज़ों को देखते हैं। वेस्ट फिल्म जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वेस्ट फिल्म मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को। वेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, इन्हीं के द्वारा ये निर्देशित है। सर्वश्रेष्ठ कहानी की बात करें तो यह बधाई दो को है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा देखा जाए तो यह भी बधाई दो को। तो ये दोनों पुरस्कार जो है मिला है वह बधाई दो मूवी को, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ पटकथा। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम वह है ब्रह्मास्त्र को मिला है। सर्वश्रेष्ठ बोल वह केसरिया गीत को मिला है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है वह अरिजीत सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में मिला है कविता सेठ को। तो इतने सारे जो प्राइज हैं वह यहाँ पर दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार के रूप में अनिल कपूर को पुरस्कृत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार यानी महिला के देखते हैं तो वह शिवा चड्ढा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स बधाई दो। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स यह संजय मिश्रा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है क्रिटिक्स के हिसाब से वह भूमि पेडनेकर और तब्बू को मिला है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो मिला है वह मिला है प्रेम चोपड़ा को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये प्राइजें इन लोगों को मिला हुआ है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में सर्वश्रेष्ठ कहानी जो है वह बधाई दो मूवी, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है वह अरिजीत सिंह, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो राजकुमार राव फिल्म बधाई काठियावाड़ी ने टोटल 10 प्राइज जीते हैं, और फिल्म बधाई दो जो है वह टोटल 7 प्राइज जीते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये तो है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा में जो है यहाँ पर एक चीज़ और है, सर्वश्रेष्ठ नवोदित डेब्यू निर्देशक की बात करते वह जसपाल सिंह संधू व राजीव बरनवाल, तो ये जो है इनको भी प्राइज मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ नवोदित यानी डेब्यू निर्देशक के रूप में जसपाल सिंह संधू व राजीव बरनवाल को। तो यहाँ पर जो है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 यह 68 नंबर का है, और इसमें जो है गंगूबाई काठियावाड़ी को 10 प्राइज,
और बधाई दो वाला मूवी को 7 प्राइज मिला है। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वह आलिया भट्ट को मिला है और राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मिला है। तो यही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, ये फिल्म फेयर अवार्ड 68 नंबर का जो 2023 में हुआ, इसी को यहाँ पे सारी जानकारी को देखते हुए चलना है।